आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रविवार को खेले गए आईपीएल मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रन से करारी शिकस्त दी। मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने धीमी पारी खेलते हुए 28 बॉल पर 23 बनाए, लेकिन आईपीएल के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है जब सीएसके ने अपनी शुरुआती 3 मैच हारे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मैच की कुछ झलकियां हमारे इस प्रोग्राम में। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत खराब होते नजर आ रही है। उसने आईपीएल इतिहास में पहली बार किसी सीजन के अपने शुरुआती 3 मैच हारे हैं। साथ ही ये भी पहली बार हुआ है कि चेन्नई की कमान अब धोनी के बजाय रविंद्र जडेजा के हाथ में है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में रविवार को पंजाब किंग्स ने चेन्नई को 54 रन से करारी शिकस्त दी। इस मैच में धोनी का ही जलवा रहा। पहले पंजाब की पारी के प्लेयर भानुका राजापक्षा को रनआउट किया था। शानदार अंदाज में रनआउट करके मेला लूटने वाले धोनी ने रन चेस के दौरान धीमी पारी खेलकर मैच फंसा दिया और आखिर में हार गए। इस तरह धोनी आखिर में हीरो से विलन बन गए। मैच में धोनी ने धीमी पारी खेलते हुए 28 बॉल पर 23 रन बनाए। दरअसल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 8 विकेट पर 180 रन बनाए थे। लियाम लिविंगस्टन ने 32 बॉल पर 60 रन की पारी खेली थी। 181 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई टीम ने 36 रन पर ही 5 विकेट गवा दिए। तब चेन्नई को जीत के लिए 75 बॉल पर 145 रन चाहिए थे। उस वक्त धोनी क्रीज पर आए थे। धोनी ने टीम को संभालने के चक्कर में धीमी पारी खेली। उन्होंने शुरुआती 10 रन बनाने के लिए 20 बॉल खेली। इस धीमी पारी का असर ये हुआ कि जरूरी रन रेट का दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में धोनी से फिर उम्मीद बंधी, लेकिन 18वें ओवर की पहली ही बॉल पर धोनी कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस तरह चेन्नई टीम 126 रन पर सिमट गई। हमारी खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।